गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड एम आई इवनिंग। ऑडिबल? यस सर। वॉइस क्लियर है? ठीक है जी। तो लास्ट क्लास में हम लोग ये क्वेश्चंस कर रहे थे, राइट? एट्थ क्वेश्चन कर लिया था, नाइन्थ क्वेश्चन नहीं हुआ था उस समय डिस्कस। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस नाइन्थ एंड देन विल मूव अहेड। नाइन्थ क्वेश्चन को कैसे करेंगे? नाइन्थ क्वेश्चन डिस्प्ले किया था आपने, नोट किया था क्या, इसको ट्राई किया था? यस सर। सर हो गया था? होने वाला था, सीरीज का सम निकल गया था। हुआ नहीं था सर, ट्राई किया था। ठीक है, क्या था? चल चलो देखते हैं पहले तो। हाँ, और ये आप कुछ बोल रहे थे बेटे? सर मैं भी बस ये कहती, ट्राई किया था, हुआ नहीं। ओके। तो पहले तो ये आपने देखो कि ये जो गिवन है, बेसिकली जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, पहले उसको उस पर अपना अटेंशन लो। थीटा एक एक्यूट पॉजिटिव एंगल है, एक्स के वैल्यू ऐसा डिफाइंड है, वाई इस तरह से डिफाइंड है, जेड इस तरह से डिफाइंड है। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि अगर थीटा पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, राइट, तो उस केस में जो कॉस थीटा या साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो डेफिनेटली दोनों वैल्यूज जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेंगी। तो क्या क्या पॉइंट गिवन है उसको मैं पहले फिगर आउट कर रहा हूँ। सबसे पहले कि कोसाइन थीटा एंड साइन थीटा बोथ दे लाई बिटवीन 0 टू 1, एग्रीड आर नॉट? यस सर। दूसरी बात, हम ये जानते हैं कि अगर कोई एक सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, ऐसे सीरीज को हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मैट्रिक्स सीरीज प्रोग्रेशन। बोलते हैं। और ये ज्योमेट्रिक सीरीज अगर इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रही है, अगर इस ज्योमेट्रिक सीरीज में इन्फिनिट मेनी टर्म्स हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो ये मैंने पूरा बताया था आपको एक दिन क्लास के अंदर में, देन ऐसी ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम होता है वो होता है फर्स्ट टर्म ए अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड दैट द कॉमन रेशियो आर मैग्नीट्यूड वाइज लाइज बिटवीन 0 टू 1। अगर कॉमन रेशियो, अगर एक जीपी है जिसके कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, तो ऐसी जीपी का इन्फिनिट जीपी का सम, ऐसे इन्फिनिट जीपी का जो सम होता है वो ए अपॉन 1 माइनस आर, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। कैन यू रिकॉल, ये क्लास में मैंने बताया था बेटा, यस सर। ठीक है? यस सर। तो हालांकि इसको अलग, जब आप प्रोग्रेशन के टॉपिक में बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग सिर्फ इतनी बात को इस्तेमाल करेंगे। अब जरा देखो इस क्वेश्चन को, जो एक्स है वो, अब एक एक चीज देखेंगे हम। नाइन्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है? तो ये समेशन ऑफ कॉस 2n थीटा, कॉस रेस टू द पावर 2n थीटा, मतलब कॉस थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा रेस टू द पावर एन, और एन वेरी कर रहा है 0 से इन्फिनिटी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस? अगर एन 0 होगा तो पहला टर्म 1 होगा, दूसरा टर्म होगा कॉस स्क्वायर थीटा, तीसरा टर्म होगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, एंड दिस विल गो अप टू इन्फिनिटी। कैन यू ऑब्जर्व दैट इट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद, सर तो सर इट इज अ जीपी विद कॉमन रेशियो क्या है? सर कॉस टू कॉस थीटा, थीटा। यस कॉस पर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा, डेफिनेटली इट इज 0 टू 1। कॉमन रेशियो की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 को एक्सीड तो कर नहीं सकती है, 1 से 0 के बीच में लाई करेगी। 1 भी नहीं हो सकती बिकॉज थीटा 0 पॉसिबल नहीं है, और 0 भी नहीं हो सकती क्योंकि थीटा π/2 नहीं पॉसिबल है। तो इस सीरीज का सम क्या होगा? व्हाट विल बी द समेशन ऑफ दिस सीरीज?
तो समेशन ऑफ दिस सीरीज विल बी फर्स्ट टर्म इज वन अपॉन वन माइनस कॉमन रेशियो, वन माइनस कॉमन रेशियो इज कॉस स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट वन बाई साइन स्क्वायर थीटा और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा. एग्रीड? यस सर. यस. एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई. सिमिलरली वाई की बात करते हैं. वाई क्या है बेटा? वाई वाई इज गिवन एज समेशन, बिल्कुल सिमिलर है, साइन स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर एन, एन अगेन वेरीज फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी. अगेन इट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद कॉमन रेशियो एज साइन स्क्वायर थीटा. एंड हियर ऑल्सो द कॉमन रेशियो इज लाइंग बिटवीन जीरो टू वन. Therefore, the summation of this series shall also be written as kya? 1 upon, bolo? 1 minus sine square theta. Sine square theta, which is 1 by cos square theta. Hence, it is secant square theta. X you have got, Y you have got, and finally, you look at Z. Z kya diya hua hai? Z? Z is summation of cos square phi sin square phi theta phi, जो भी लिखो यहाँ phi लिखा हुआ मैंने theta लिख दिया. आई होप यू डोंट माइंड. phi की जगह theta रीड कर लेना. yes, या theta को phi. तो इट इज cos square theta sin square theta whole raised to the power n, again n going to 0 to infinity. So this is again 1 plus cos square theta sin square theta plus cos square theta sin square theta का whole square and this is extending to infinity. तो इसका summation क्या आएगा? z की value क्या आएगी add करके? 1 upon common ratio क्या है यहाँ पर? 1 upon 1 minus cos square theta sin square theta. 1 minus cos square theta sin square theta. तो दीज आर द थ्री फाइंडिंग्स वी हैव. एक्स की वैल्यू मिल गई, वाई की वैल्यू मिल गई और जेड की वैल्यू मिल गई. अब हमें ये दो बातें प्रूफ करनी है, ए क्या है और बी क्या है. एक्स वाई अपॉन एक्स वाई माइनस वन इक्वल टू जेड प्रूफ करना है. ए तो हो गई थी, बी में अटक रहे थे. नहीं, ए हो जाएगा तो बी तो स्ट्रेट वे हो जाएगा बेटा. ध्यान से देखो, पहले तो ए की बात करो. एक्स और वाई में क्या रिलेशन है यहां से देखो. तो आपको एक बात क्लियर पता है क्या? कि वी नो दैट सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा. होता है कि नहीं होता है? पिछली क्लास में मैंने बताया था कि secant square और cosecant square ऐसे फंक्शन है जिनको ऐड करो या मल्टीप्लाई करो यू गेट द सेम रिजल्ट. क्योंकि 1 by sin square plus 1 by cos square is 1 upon sin square cos square. न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 sin square theta plus cos square theta 1. That means ये x है, secant square theta क्या है? y है. cosecant square theta क्या है? cosecant square theta क्या है? x है. And it is equal to x into y. ये clear है? Yes sir. यहाँ पे बात clear है? अच्छा जी. This is one finding. अब शायद आप में से जिन लोगों ने कुछ किया था उनका काम लगभग खत्म हो गया होगा. अब शायद उनका आंसर भी आ गया हो. But anyway, हमें जो प्रूफ करना था हमें ये वाली चीज प्रूफ करनी, मतलब x y z को रिलेट करना है. Look at z. Z, I can see that Z is equal to 1 upon 1 minus. What is cos square theta? Cos square theta is 1 upon y from the second equation. Secant square theta is y. Cos square theta is 1 upon y. And what is sin square theta? Sin square theta is 1 upon x from 1 and 2. From equation 1 and 2. Yahan tak clear hai? तो इससे एक बात तो प्रूव हो गया कि एलसीएम लोगे तो आ जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स वाई माइनस वन. एग्रीड? तो दिस पार्ट इज डन. सेकंड भी हो चुका है. तो सेकंड भी हो ही गया. सेकंड कैसे हो गया बताओ? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसी को तो आ जाएगा एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वन इंटू जेड. दिस इंप्लाइज एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स वाई जेड
माइनस जेड, और एक्स इंटू वाई क्या है? एक्स प्लस वाई. एक्स इंटू वाई इज एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई कर दो और इज इक्वल टू एक्स वाई जेड माइनस जेड, एंड देयर फॉर द थर्ड रिजल्ट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड. यही नहीं याद रहा कि फर्स्ट वाले का यूज करना था रिजल्ट. क्यों नहीं, क्यों नहीं, अगर फर्स्ट वाला हम प्रूव कर चुके हैं तो उसको तो यूज कर ही सकते हैं. और अगर नहीं भी यूज करते उसको ना, तो x प्लस वाई को, अगर x प्लस वाई को आप x इंटू वाई लिख देते हैं और इसको उधर ले जाते तो यही वाला रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है. क्रक्स था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था, और ये बहुत बेसिक बात है, लेकिन ये उस समय अगर ये स्ट्राइक कर जाती ना कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है स्ट्रेट वे, तो हो जाना चाहिए था. अब आई डोंट नो कि कौन सा नहीं स्ट्राइक किया, ये तो स्ट्रेट वे हो गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं. अगर ये वाला चीज स्ट्राइक करता तो सारे कन्वर्जन हो जाते. एनीवे, तो ये तो था आपका हाउ टू डिटरमिन द, हाउ टू यूज द रेंज एंड डोमेन एंड द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स. अब आ जाते हैं इंटर कन्वर्जन पर. तो आप लिखेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस. इसको फटाफट ब्रीफली समझते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत शायद आपने देख लिया हो, अगर आप में से किसी. यस सर, देख लिया था. ठीक है, तो मैं इसीलिए बस एक गो में उसका कॉन्सेप्ट को जस्ट एक बार ब्रश अप करूंगा और सीधे क्वेश्चंस पे चलेंगे. तो इफ आई से इंटर कन्वर्जन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, इंटर मतलब होता है बिटवीन, अमंग ईच अदर. कन्वर्जन means we have six trigonometric functions, and if suppose the value of sum of the trigonometric function of an angle is given, like sine theta is given or cos theta is given or tan theta be given, then how to determine the other trigonometric function for the same angle theta. ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि ये सारे छः के छः function एक दूसरे से connected हैं, और वो कनेक्शन क्या है, वो तीन पाइथागोरियन आइडेंटिटी, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू कनेक्टेड है. तो ये क्लियर है कि अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल गई या कॉस की वैल्यू मिल गई या किसी भी एक फंक्शन की वैल्यू मिल गई थीटा एंगल के लिए, तो रिमेनिंग फंक्शंस की वैल्यू फॉर द सेम एंगल थीटा कैन बी ऑब्टेन. फॉर इंस्टेंस, सपोज आई वॉन्ट टू गिव यू साइन ऑफ थीटा, देन हाउ डू वी कन्वर्ट एंड गेट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा टैन थीटा एटसेट्रा. तो मान लो आपको गिवन है साइन थीटा एक नंबर है s, तो s क्या होगा? तो s कैन बी एनी नंबर विच लाइज विच सेटिस्फाइज द रेंज ऑफ साइन थीटा. लाइक अगर मैं s की वैल्यू देता हूं 3/2, तो आप सीधे बोलोगे कि इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज साइन थीटा रेंजेज इट्स वैल्यू फ्रॉम -1 to 1, एंड देयरफॉर एनीथिंग विच कैन बी इक्वल टू साइन थीटा विल बी ऑलवेज -1 to 1. तो डेफिनेटली द वैल्यू ऑफ s विल बी गिवन एज सम नंबर बिटवीन -1 to 1. ठीक है बेटा, इज द ऑडियो क्लियर? यस सर, ऑडियो इज क्लियर. ठीक है, नहीं कोई किसी बच्चे को अगर ऑडियो या वीडियो में कोई इश्यू हो तो सबसे पहले बेटा अपना नेटवर्क चेक कर लिया करो, क्योंकि फिर वो क्लास का फ्लो ब्रेक हो जाता है. ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू एस गिवन है, तो एस कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी हाफ, इट कैन बी -1/2, इट कैन बी √3/2, इट कैन बी -√3/2, इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन -1 to 1, राइट? अब मान लो साइन थीटा की कुछ वैल्यू है, जैसे मान लो साइन थीटा की वैल्यू हाफ है या 1/3 है, एक अननोन सी वैल्यू लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइन थीटा एज 1/3? दैट मींस द एंगल थीटा शैल लाई आइदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट. तो दो पॉसिबिलिटीज हैं. अभी जरूरी हम फेजर डायग्राम की बात कर रहे हैं, आप फेजर डायग्राम बनाओ, चाहे सर्कल के साथ बनाओ या विदाउट सर्कल से बनाओ, बट एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि एंगल थीटा हमारा ऐसा कुछ हो और इस वजह से ऐसा ट्राइंगल फॉर्म हो, या हो सकता है कि वही सेम एंगल सेम साइन की वैल्यू मिलेगी मेरे को जब एंगल पाई माइनस थीटा होगा. मतलब या तो थीटा अल्फा हो या थीटा पाई माइनस अल्फा हो, दोनों केस में ये पॉसिबल है. मान लो थीटा की वैल्यू अल्फा है या थीटा इज इक्वल टू अल्फा और पाई माइनस अल्फा,
मतलब अगर ये अल्फा हो तो भी तो ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट बनेगा ना, तो उस केस में भी हमें वही साइन थीटा मिलेगा, इस केस में भी वही मिलेगा पाई माइनस अल्फा के केस में। और अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन है, अब इस केस के कॉरस्पॉन्डिंग मान लो मैं डिस्कस करूं, तो आई वुड सिंपली से दैट साइन होता क्या है, इट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, एंड इफ आई एम टेकिंग दिस एज एस दैट मीन्स आई कैन कीप इट एस अपॉन वन, सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आई कैन सी दैट लेट्स कीप द हाइपोटेन्यूज वन, देन परपेंडिकुलर इज डेफिनेटली एस, तो ये चीज एस हो गई। अगर हाइपोटेन्यूज की लेंथ वन है और परपेंडिकुलर अल्जेब्रिकली एस लेंथ का है, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस जो है मतलब अगर मान लो ये ओ है और ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट एम है, हो सकता है पी की लोकेशन यहाँ हो और एम की लोकेशन ये भी हो सकती है, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटी फॉर ओ एम बेस ऑफ दिस ट्राइंगल? सर रूट वन माइनस एस स्क्वायर। इट इज रूट, डेफिनेटली इट्स लेंथ विल बी root of 1 minus s square plus minus 1, but it plus can be well negative of root 1 minus m square as well if the angle lies in second quadrant. और जो information given है उसके basis पर ये figure out करना possible नहीं है कि first में है या second में है, क्योंकि आपने तो सिर्फ sin theta की value s दी हुई है, तो s के corresponding दोनों हो सकता है। अगर s positive है तो ऐसी situation है, अगर एस नेगेटिव है तो उसका भी फेजर डायग्राम में भी बना के दिखा देता हूं, बट बात पहले इसके लिए क्लियर कर देते हैं कि क्या आएगा आंसर बताओ। हमारे पास में आ गया कि ओ एम इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ वन माइनस एस स्क्वायर, या आप बोलना चाहो तो इसी को ये भी बोल सकते हो ना कि इट इज प्लस माइनस कॉस थीटा। होता भी है वाई कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, s हाइट हो गया, s तो साइन थीटा है, तो अगर ये साइन थीटा है तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, cos थीटा ही होता ना। यस सर। तो ये cos थीटा या माइनस cos थीटा ऐसा भी हो सकता है। om om मतलब ये om लेंथ नहीं बोल रहा हूं मैं, om अल्जेब्रिक लेंथ बोल रहा हूं मैं, मतलब लेफ्ट की तरफ मेजर होगा तो नेगेटिव, राइट की तरफ मेजर होगा तो पॉजिटिव। एनीवे अब हमें पूछा गया कि मतलब एंगल थीटा की वैल्यू अल्फा भी हो सकती है पाई माइनस अल्फा, अब आपसे पूछ रहे हैं कि कॉस थीटा क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे भाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू दो वैल्यूज आएंगे प्लस माइनस रूट वन। हाँ, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एस स्क्वायर। कैसे, ये इस वाले एंगल में जाओ, इस वाले थीटा की वैल्यू अल्फा होगी तब तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज रूट वन माइनस एस स्क्वायर, बट अगर थीटा पाई माइनस अल्फा ये वाला एंगल है तो इस वाले ट्राइंगल में डेफिनेटली ये बेस हो गया नेगेटिव, तो नेगेटिव बाय हाइपोटेन्यूज नेगेटिव, तो ये हो गया। टैन थीटा क्या हो गया, टैन थीटा तो ये आपने लिखा, इसको क्या लिख रहे हैं, इट इज एक्चुअली प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यूजुअली क्या होता है, अगर मैं बोलता हूँ साइन थीटा एस है तो आप टेंथ में क्या करते थे, साइन थीटा एस है तो कॉस थीटा क्या, अंडर रूट वन माइनस एस स्क्वायर। नो, वो तब होता था जब थीटा एक्यूट होता था तब। अभी साइन थीटा से कॉस थीटा निकालना है तो आप डेफिनेटली वही आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब मैं देखो अल्जेब्रिकली भी करके दिखा रहा हूं, आप बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, अगर आप अल्जेब्रिकली कर रहे हैं तो यहां से बोलेंगे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस s स्क्वायर। फिर आप बोलेंगे रूट ले लो, रूट लोगे बेटा तो यहां पर मॉड cos थीटा आएगा, मॉड cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस s स्क्वायर। तो अगर आप सिर्फ cos थीटा को अंडर रूट 1 माइनस s स्क्वायर लिखते हो तो मैथमेटिकली वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जिस एंगल के साइन की वैल्यू s है वो एंगल एक्यूट भी हो सकता है और ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर आप सिंपली कॉस की वैल्यू रूट वन माइनस एस स्क्वायर बोलते हो तो आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे हो, जबकि नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो। इसलिए आप इसके दो केसेस बनाएंगे, अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है मतलब अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये आ जाएगा रूट ऑफ वन माइनस एस स्क्वायर, अगर कॉस थीटा नेगेटिव है तो मॉड कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा तो माइनस उधर चला जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रूट ऑफ वन माइनस एस स्क्वायर।
तो आई नेवर माइंड वेदर यू एनालाइज द सिचुएशन लाइक दिस वे और यू गो बाय द फेजर डायग्राम. माय जॉब इज टू टेल यू बोथ एंड योर जॉब इज टू डू इट करेक्टली. आइदर यू गो बाय द फेजर डायग्राम और यू गो बाय दिस एनालिसिस. जब ये एनालिसिस लेंगे तो हमेशा याद रखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, नहीं तो आप गलतियां कर सकते हैं. और जब आप ये एनालिसिस लेंगे तो ये गलती हो ही नहीं सकती क्योंकि वहां पर आपको साइन कन्वेंशन पता है, तो आपको अपने आप पता चलेगा कि वैल्यू क्या होगी. एनीवे टेन थीटा आप तो सब बता सकते हैं. टेन थीटा की भी दो वैल्यू होगी, क्या क्या होगी? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो प्लस माइनस, प्लस माइनस एस अपॉन रूट वन माइनस एस स्क्वायर, यस अपॉन अंडर रूट वन माइनस एस स्क्वायर, सभी आ जाएंगे आपको. या इसी को साइन थीटा, सारी आ जाएंगे आप, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं प्लस माइनस. और फिर इसी का सेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा की एक वैल्यू होगी, वो क्या होगी? वन बाय एस, वन माइनस. और सेकेंड थीटा की भी दो वैल्यू होगी, दैट इज प्लस माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एस स्क्वायर. और कॉट थीटा की भी दो वैल्यू होगी, दैट इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस. सो इट्स ओवर, राइट? तो ये समझ में आ गया कि साइन थीटा से यही चीज उसमें भी डिस्कस हुआ था. जैसे अगर मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि साइन थीटा इज गिवन एज, साइन थीटा इज गिवन एज हाफ, मैं हाफ नहीं देता हूं, से टू बाय थ्री, ठीक है? देन राइट द वैल्यू ऑफ ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. तो आप क्या बोलेंगे? कॉसेकेंड थीटा इज 3/2, and what is cos theta, what is tan theta, and what is secant theta, what is cosecant theta. तो अब इसके लिए आपने क्या बोला? साइन थीटा 2/3 है, इसका मतलब है कि एंगल या तो फर्स्ट में है या तो सेकेंड में है. अब मैंने 2 को क्या मान लिया? 2 को एज्यूम कर लो परपेंडिकुलर, 3 को ले लो हाइपोटेन्यूस. तो बेस क्या हो जाएगा? बेस क्या हो जाएगा? नाइन माइनस फोर रूट फाइव. हाँ, थोड़ा प्रॉम्प्ट रिप्लाई करेंगे. ये 3 है, ये 2 है, तो ये रूट फाइव हो गया या माइनस रूट फाइव, दोनों पॉसिबिलिटी है. और दिस इज 2 एंड दिस इज, तो थीटा ये भी हो सकता है और थीटा ये भी हो सकता है. इट इज नॉट गिवन, एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन विल डिफरेंशिएट कि ये वाला लेंगे कि ये वाला लेंगे. सिंस नथिंग इज सेड, सो बोथ दोनों लेना पड़ेगा. कॉसेकेंड थीटा हो गया, कॉस थीटा क्या हो गया? तो प्लस माइनस रूट फाइव बाई थ्री. टेन थीटा क्या हो गया? प्लस माइनस टू बाई रूट फाइव. सेकेंड थीटा क्या हो गया? प्लस माइनस 3/√5. एंड कोसेकेंड थीटा तो आप जानते ही हो, पहले ही बता चुके हैं. हाँ, कॉट थीटा, कॉट थीटा लिख दो. कॉट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √5/2. प्लस माइनस √5/2. √5/2. दैट्स इट. ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह से एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर बताइए. साइन थीटा इज गिवन एज माइनस फोर बाई माइनस थ्री बाई फोर, या माइनस थ्री बाई फोर नहीं, माइनस फोर बाई फाइव, राइट? माइनस फोर अपॉन फाइव. कैलकुलेट द रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यू. तो अब सिचुएशन क्या होगी बोलो? एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा? 3 and 4. हाँ जी, एंगल विल लाई आइदर इन थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट. तो अब सिचुएशन अगर देखो तो कुछ इस तरह से प्लेस्ड होगी कि अगर नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा. तो थर्ड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर इज 4 एंड हाइपोटेन्यूस इज 5. तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखो तो 3, 4, 5, राइट? तो हाइपोटेन्यूस इज 5 एंड परपेंडिकुलर इज 4, तो बेस इज 3, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी होगी. Or you might have another possibility this way. अब इन दोनों possibilities के corresponding, मतलब हमारा theta, या तो theta हम ये वाला लेंगे
और या तो दूसरी पॉसिबिलिटी थीटा की जो है वो ये है, दिस वन। दोनों में राइट एंगल ट्राइंगल को डिटरमिन किया, दिस इज 5 हाइपोटेन्यूस इज 5 परपेंडिकुलर माइनस 4 है, तो बेसिस यहां पर इस केस में 3 है, इस केस में माइनस 3। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कि साइन की जो वैल्यू गिवन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो पॉसिबिलिटीज हमेशा होंगी, पॉजिटिव होगा तो यहां पर केस होगा, जैसे अगर ये एस गिवन होता ना, तो अभी मैं पहले इसको कैलकुलेट करके आंसर बता दो फिर बात करते हैं। हाँ जी, तो कॉस कॉसेक थीटा तो माइनस 5/4 हो गया, कॉस थीटा क्या हुआ? प्लस माइनस 3/4। टेन थीटा क्या हो गया? प्लस माइनस 4/3। हाँ, इस वाले क्वाड्रेंट में 4/3, इसमें माइनस 4/3, प्लस माइनस 4/3। सेकेंट थीटा क्या हो गया? प्लस माइनस 5/3। एंड कॉट थीटा क्या हो गया? प्लस माइनस 3/4। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। दूसरी बात कि अगर मान लो आप बोलते ना कि साइन थीटा की वैल्यू एस गिवन थी ना, ओरिजिनल जो डिस्कशन हुआ था, साइन थीटा एस है और एस नेगेटिव है, तो उस केस में बेसिकली ये एस हो जाता, इसी फेजर डायग्राम पर देखो, तो ये एस हो जाता और ये क्या हो जाता, ये वन हो जाता और ये एस हो जाता, तो बेस क्या हो जाता, तो बेस हो जाता अंडर रूट वन माइनस एस स्क्वायर प्लस माइनस। मतलब इट नेवर डिपेंड्स अपॉन कि एस पॉजिटिव है या नेगेटिव। देखो यहां पर भी 1 माइनस एस स्क्वायर का रूट प्लस माइनस, यहां पर भी वही आया, तो एस पॉजिटिव है तो भी वही फॉर्मेट होगा कन्वर्जन का, नेगेटिव है तो भी वही फॉर्मेट होगा कन्वर्जन का। तो दिस इज द ओनली आइडिया, और कोई इस पे रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज है और कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक यू आर कंफर्टेबल, आगे चले आप? यस सर, यस सर। तो ये हमारा था साइन थीटा का पूरा कन्वर्जन, पहले भी आप नोट कर चुके, तो नोट करने का कोई लोड नहीं है, ये सारा करके देख लिया आपने। एग्जैक्टली इसी तरह से अगर कोई भी फंक्शन दिया हो, ऐसा जरूरी नहीं कि साइन थीटा गिवन है, अगर आपको कॉट थीटा गिवन है, टैन थीटा गिवन है, तो भी आप कर सकते हैं। कॉट थीटा गिवन होगा तो हम क्या बोलेंगे, कॉट थीटा एक्स ले लिया, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, नहीं बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस को हम एक्स एज्यूम कर लेंगे, परपेंडिकुलर को वन एज्यूम कर लेंगे, तो हाइपोटेन्यूस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉट के केस में आपको पता है कि कॉट जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, मतलब थीटा के लिए एंगल थीटा हो या एंगल पाई प्लस थीटा हो, दोनों के लिए कॉट की वैल्यू सेम आती है, सेम होती है, क्योंकि वहां पर परपेंडिकुलर और बेस फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे और थर्ड में दोनों नेगेटिव होंगे, तो रेशियो वही आ जाएगा, तो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट दो ट्राइंगल बनेंगे। एक अगर फर्स्ट, अगर एक्स पॉजिटिव है मान लो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा तो वैसे ही एक थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा ऐसा, और अगर नेगेटिव है कॉट थीटा की वैल्यू तो एक सेकंड में बनेगा तो एक फोर्थ में बनेगा, बिल्कुल डायगोनली अपोजिट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनेगा। मतलब ये थीटा है तो ये कॉट थीटा देखो एक्स अपॉन वन है, ये अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर है। ऐसे ही अगर ये एक्स मान लो कॉट थीटा अगर एक्स है तो बेस माइनस एक्स और परपेंडिकुलर माइनस वन भी हो सकता है, तो अगर ये पॉसिबिलिटी हुई तो एग्जैक्टली इसी का कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन गया। तो एंगल कौन सा हो गया भाई, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये टोटल कितना है यहां से यहां तक पाई और प्लस थीटा, तो ये पाई प्लस थीटा हो गया। तो इस केस में आप मान लो साइन बताना है, तो साइन क्या होगा, तो वन बाई अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस वन बाई अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन थीटा हो गया माइनस प्लस माइनस वन बाई अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट एक्स है तो टेन तो वन बाई एक्स ही होगा, इसमें तो कोई इश्यू नहीं। साइन आ गया दो वैल्यू प्लस माइनस, ऐसे कॉस की भी दो वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और सीकेंट की और कॉसेकेंट की भी दो दो वैल्यूज हो जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट कन्वर्जन, लेट्स गो एंड वर्क आउट सम प्रॉब्लम। तो इस पर जो आपने लेक्चर देखा होगा तो उसमें एक प्रॉब्लम तो आपने वैसे ही करी होगी। चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पहले पहले उसका आंसर निकालो, आप निकाल के बताओ फर्स्ट। कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस 4/3, फाइंड and theta belongs to pi
टू टू पाई, थीटा बिलोंग्स टू पाई टू टू पाई. फाइंड टैन थीटा, सीकेंट थीटा, कॉसिकेंट थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा. जल्दी बोलो. कॉट की वैल्यू दी हुई है, एंगल बता दिया कौन से क्वाड्रेंट में है, या तो सेकंड में है या तो थर्ड में है. फेजर डायग्राम पर सिचुएशन क्या आएगी? अगर आप फेजर डायग्राम पर देखें तो एंगल थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है? थर्ड एंड फोर्थ में. थर्ड एंड फोर्थ? हाँ डेफिनेटली थर्ड एंड फोर्थ में. तो थर्ड में या तो फोर्थ में, ये रेंज है एंगल की जो गिवन है आपकी, ये रेंज गिवन है. ये तब अब लेकिन कॉट की वैल्यू अगर थर्ड में होता तो कॉट पॉजिटिव आता. कॉट की वैल्यू नेगेटिव है, इससे ये भी कंफर्म होगा कि एंगल हमारे कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ. फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा. फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए हम. फोर्थ क्वाड्रेंट में बेस है फोर और हाइपोटेन्यूस है, नहीं परपेंडिकुलर है थ्री. तो सिचुएशन कुछ ऐसे होगी, तो हमारा एंगल ऐसा होगा. ये दिस इज द एंगल फॉर विच वी आर गोइंग टू डिटरमिन. दिस इज द एंगल. दिस इज फोर, नेगेटिव फोर, एंड दिस इज थ्री. नो, दिस इज फोर एंड दिस इज माइनस थ्री. इज दैट क्लियर? यस सर. यस. ये कितना हो गया? फाइव. पाइथागोरियन ट्रिपलेट. अच्छा हमेशा याद रखना कि जो cot tan हम निकालते हैं वो कौन से एंगल का निकालते हैं? इस ट्रायंगल के एंगल का नहीं निकालते हैं, वो राइट ट्रायंगल का अंदर वाले एंगल का नहीं निकालते हैं. वो एंगल हमेशा एक फिक्स्ड पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से हमेशा ऐसे पूरा मेजर होगा उसकी को रेडियस वेक्टर का. ये रेडियस वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन डिफाइंड हुआ है. तो रेडियस वेक्टर यहां से कितना एंगल बना रहा है, चाहे वो चार बार रोटेट होके बना रहा हो, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2n पाई प्लस 4 पाई प्लस ऐसा हो जाएगा. एनीवे तो क्या आया बताओ? टेन माइनस 3 बाई 4 माइनस 3 बाई 4 सेकेंड 3 बाई 4 5 बाई 4 हाँ सेकेंड हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि बेस पॉजिटिव हो गया ना. तो सेकेंड इज 5 बाई 4 कॉस सेकेंड 5 बाई 3 माइनस 5 बाई 3 माइनस 5 बाई 3 साइन माइनस 3 बाई 5 कॉस 4 बाई 5 तो इट इज एज सिंपल. तो ये क्वेश्चन तो आप कर चुके थे क्लास में, ये भी कर चुके थे उसमें, ये दोनों क्वेश्चन हो गया था. यस सर. तो अब हम लोग इसके आगे चले, यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है? यस सर. ठीक है, फटाफट आंसर करिए. बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट फॉर विच सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा इज मिनिमम. थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने वाले किस एंगल के लिए सीकेंट स्क्वायर थीटा और कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा का समेशन लीस्ट वैल्यूड है, मिनिमम वैल्यू का है? तो पहले तो आप ये डिटरमिन करने की कोशिश करो कि मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, फिर अपने आप ये पता चलेगा कि किस एंगल के लिए वो मिनिमम होगी, फिर अपने आप डिटरमिन हो जाएगा. इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 4 मिनट का टाइम है. So the reply is 5 by 2 or 3 pi by 2? 5 pi by 4. Minimum value is 4. Saket ka answer hai. Minimum value is 4 and 5 pi by 4. Mera bhi yahi hai sir.
मेरा भी यही है सर। ठीक है, क्या किया वैसे, करना क्या था? सर एम ग्रेटर देन जीएम से मिनिमम वैल्यू पता चल गई। तो सबसे पहली बात है कि एम ग्रेटर देन जीएम को यूज करेंगे। आपको ये पता है कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन किसी भी दो क्वांटिटी के लिए अगर हम यूज करते हैं एक्स एंड वाई, तो वो तभी यूज कर सकते हैं जब दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव हो, राइट? और फिर हम अब ये भी बोलते हैं कि इक्वालिटी, यहाँ इसका मतलब हुआ कि x प्लस वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट एक्स वाई होती है। एंड इक्वालिटी कब होल्ड करती है? जब x और y दोनों इक्वल होते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है जो आप में से हर एक को पता है। दूसरी बात ये है कि इसके दो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं। एक एप्लीकेशन है कि इफ प्रोडक्ट एक्स वाई इज कॉन्स्टेंट, अगर दोनों नंबर दो पॉजिटिव नंबर्स हों और उनका प्रोडक्ट आपने ऑब्जर्व किया कि कॉन्स्टेंट वैल्यू है, जैसे टैन एंड कॉट, कॉस एंड सीकेंट, ऐसा, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा यही सेम इनइक्वालिटी विल लीड टू एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट पी वेर दिस इज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब हुआ कि एक्स वाई जो एक्स और वाई तो वेरिएबल है बट उनके प्रोडक्ट की वैल्यू इससे बड़ी या इक्वल होगी एक्स वाई के जो मिनिमम वैल्यू है, सॉरी ग्रेटर देन नहीं, सॉरी एक्स प्लस वाई, बेटा प्रोडक्ट नहीं सम। तो समेशन एक्स प्लस वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट पी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक्स प्लस वाई की जो लीस्ट वैल्यू है वो क्या है, वो टू रूट पी होगी। कब होगी? इफ एक्स इक्वल टू वाई। तो पहला बात ये याद रखना है कि फॉर कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी द समेशन मिनिमम विल अकर बाई ऑप्टेन बाई एम जी एम वेन बोथ द नंबर्स आर इक्वल। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। एंड इसी का जो सेकेंड एप्लीकेशन है ए टू, वो ये है कि अगर अगर सम कांस्टेंट गिवन हो, एक्स प्लस वाई इज एस गिवन कांस्टेंट, दो नंबर्स का सम गिवन हो, तो उस केस में सेम इनइक्वालिटी विल गेट यू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। रूट एक्स वाई विल बी लेस देन इक्वल टू एस बाय टू, तो एक्स इंटू वाई विल बी लेस देन इक्वल टू एस स्क्वायर बाय फोर। तो यहां से आ जाएगा एक्स वाई प्रोडक्ट की मैक्स वैल्यू हो जाएगी एस स्क्वायर बाय फोर। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। क्या? पहला ए एम जी एम हमेशा पॉजिटिव नंबर्स रियल नंबर्स के लिए अप्लाई होगा। दूसरा अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। तीसरा इक्वालिटी होल्ड करती है जब नंबर्स इक्वल होती हैं। चौथी बात, अगर प्रोडक्ट गिवन है तो समेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं और समेशन गिवन है तो प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर ये चार पॉइंट आपके दिमाग में रहेंगे तो ए एम जी एम अप्लाई भी कर सकेंगे और जज भी कर सकेंगे कि कहां पर अप्लाई करना है। जैसे इस केस में देखो, दोनों पॉजिटिव नंबर है, समेशन की लीस्ट वैल्यू पूछ रहे, तो समेशन का मिनिमाइज बात हो तो ए एम जी एम पर ध्यान जाना चाहिए क्योंकि मिनिमम वैल्यू ऑफ सम यहां से प्रेडिक्ट होती है। लेकिन उसकी कंडीशन है कि प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है जो कि राइट नाउ नहीं है। सीकेंस क्या थीटा और कॉसकेंस क्या थीटा का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट नहीं है। तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन। सो इट नाउ टर्न आउट टू बी टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू। I have now the summation of two positive numbers whose product is one constant. So I can go by AMGM and say that tan square theta plus cot square theta divided by 2 is always greater than equal to root of tan square theta into cot square theta is 1. तो यहां से आ गया कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एडिंग 2 टू बोथ साइड, इधर भी 2 ऐड कर दो और इधर भी 2 ऐड कर दो, तो आ गया y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब आ गया कि देयरफॉर y की मिनिमम वैल्यू, y मिनिमम क्या आएगा, तो आएगा 4 आएगा। कब होगा? तब होगा y इक्वल टू 4 कब होगा, तो यही इनइक्वालिटी बोल रही है कि y इक्वल टू 4 कब होगा,
हमेशा तो नहीं होगा, y इक्वल टू 4 तभी होगा जब यहाँ इक्वालिटी होल्ड करे, और यहाँ इक्वालिटी मतलब यहाँ इक्वालिटी होल्ड करे मतलब यहाँ इक्वालिटी होल्ड करे मतलब am और gm इक्वल हो जाए। और कब होता है am gm के इक्वल? जब दोनों नंबर इक्वल होते, इफ tan square theta इक्वल टू cot square theta। अब tan square theta cot square theta के इक्वल होता है कब? जब tan theta की वैल्यू 10 की पावर 4 थीटा 1 प्लस माइनस 1 हो, बट एंगल हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड, तो ऑब्वियसली माइनस 1 तो हो नहीं सकता, तो tan थीटा 1 हो। तो tan थीटा 1 कब होता है थर्ड क्वाड्रेंट में? ऑब्वियस ही बात है जब ये ऐसा हो ना, ये भी माइनस 1, ये भी माइनस 1, और ये एंगल कितना एंगल होगा ये? तो ये एंगल पाई बाई 4 होगा, तो ये टोटल एंगल कितना होगा? पाई प्लस पाई बाई 4। तो थीटा इज इक्वल टू 5 पाई ओवर 4। सो जस्ट लेट मी नो वेदर द थिंग्स आर ऑल क्लियर। ये पूरा डिस्कशन समझ में आ गया बेटा सबको? यस। अच्छा दूसरी बात है कि क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही एम जी एम से ही कर सकते थे, कुछ और भी कर सकते थे? सर मैंने दूसरे से करा था। हाँ अच्छी बात है, क्या किया था बताओ? सर मैंने पहले देखा कि secant square और cosecant square का सम है, तो हम उसको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। गुड गुड गुड, समझ गया मैं। इन्होंने इसको लिख दिया secant square theta into cosecant square theta। फिर मैंने भी ऐसे किया। फिर इसको लिख दिया 4 divided by 4 sin square theta cos square theta। ये लिखा ना? Yes sir। ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय 2 sin theta cos theta का होल स्क्वायर, दैट इज sin 2 theta का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4 टाइम्स cosecant square 2 theta। अब ये अगर कर रहे हैं तो हम मल्टीपल एंगल फार्मूला यूज कर रहे हैं, जो हमने पहले आपको बता दिया, इसलिए आराम से सब आप कर पा रहे हो। अगर मतलब पता है तो आप कर पा रहे हो, अगर नहीं पता है तो अभी हम इसको नहीं कर सकते थे। बट एनीवे यहां से भी आया greater than equal to 4, क्योंकि cosecant square की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होती है, रेंज के हिसाब से जाओगे तो यहां से भी हो जाएगा, this is also done। तो ये method 1 हो गया तुम्हारा मान लो, और ये method 2 हो गया, है ना? और कुछ कर सकते थे, और भी एक पॉसिबल वे था करने का। तो अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो मैं यहां से कुछ पोर्शन हटा रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, कैन आई? यस सर। अब ये जो आगे अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये अब सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्लीज जस्ट पे योर अटेंशन। मेथड 3, यहां तक हम थे ना, यहां तक y इज इक्वल टू, इसको ध्यान से देखो तो ये एक एक्सप्रेशन है जिसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो, स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हो। यस yes, कर सकते हो ना? यस सर। इनफैक्ट ये देखते ही देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यस सर, tan प्लस cot का होल स्क्वायर। बिल्कुल, तो इसको आप tan प्लस cot का होल स्क्वायर लिख सकते थे। और आपको हमेशा ये भी ऐसा रैंडम नहीं कर रहे हैं, मैं बताऊं आपको, आपको ये अच्छी तरह से पता है किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्स या मिन वैल्यू, मिनिमम वैल्यू स्पेशली चाहिए या मैक्स चाहिए या रेंज चाहिए, तो स्क्वायर कंप्लीट करना चाहिए। इट इज एंटीसिपेटेड, इट इज नॉट समथिंग दैट ऐसा ब्लू मून थॉट आ रहा है आपके दिमाग में, ठीक है? तो इधर तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए अगर इतने दिन का डिस्कशन आपके साथ में दिमाग में है तो। तो एनीवे, तो इसको हम स्क्वायर स्क्वायर कंप्लीट करें, दो तरह से स्क्वायर कंप्लीट हो सकता है। जैसा कि अभी आदित्य ने बताया कि इसको आप टेन प्लस कॉट का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसी को बेटा मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 भी लिख सकता हूं। यस आर नो? यस सर। यस सर। 2 सबट्रैक्ट किया और 2 ऐड कर दिया, दैट्स इट। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 4 लिख दिया इसको, और पहले वाले को लिख दिया। अब देखो यहां से मैं क्लियर बोल सकता हूं, ये परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी है। Square of any real number cannot be negative. So what can be the minimum value of this? Y minimum तभी होगा जब ये minimum हो, और ये minimum क्या होगा?
बोलो बेटा, जीरो। ऑब्वियसली स्क्वायर क्वांटिटी है तो मिनिमम वैल्यू जीरो ही हो सकती है, जीरो ना सर, प्रोवाइडेड कि वो जीरो वैल्यू टेकअप कर सके। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसकी मिनिमम वैल्यू वन हो, हाफ हो, टेन हो, ऐसा भी हो सकता है, बट एक बार इंश्योर कर लेंगे कि जीरो पॉसिबल है कि नहीं। तो एनीवे वाई मिनिमम यहां से आ गया जीरो, सॉरी फोर। कब कब होगा? जब टैन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा हो जाए। और वो कब होगा? टैन इक्वल टू कॉट कब होगा? वही थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब टैन स्क्वायर थीटा वन, वही चीज आ गई, टैन स्क्वायर थीटा वन। तो फिर आगे का एनालिसिस तो यहां पता ही है, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर देखो, यहां से अगर जाएंगे ये दूसरी वाली पॉसिबिलिटी से जो आदित्य ने बताई है ना, इस पॉसिबिलिटी में मिनिमम वैल्यू क्या प्रेडिक्ट करेंगे? तो आप यहां पर मिनिमम वैल्यू जीरो मत प्रेडिक्ट करना कि भाई ये स्क्वायर क्वांटिटी है तो मिनिमम वैल्यू जीरो। नहीं, ये वैल्यू जीरो कभी हो नहीं सकती, ये वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। रीजन हाँ, क्योंकि टेन और कॉट सेम साइन की एक्सप्रेशन है, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो उनका साइन सेम होगा, इसलिए हमेशा कंस्ट्रक्टिव एडिशन होगा, ये दोनों कभी न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। अगर ये जीरो हुआ तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी है तो जीरो हो जाएगा, तो समेशन जीरो नहीं होगा। अगर ये वन है तो वन रहेगा, अगर हाफ है तो ये टू हो जाएगा। तो समेशन इसका हमेशा एएमजीएम से जाओ ना, टेन और कॉट का पॉजिटिव करके, मतलब दोनों माइनस टेन माइनस कॉट पॉजिटिव हो जाएंगे और उसका एएमजीएम लगा दोगे तो हमेशा इसकी वैल्यू मिनिमम टू आएगी अंदर वाले की, और इसके स्क्वायर की वैल्यू फोर आएगी। तो यहां से भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू फोर ही प्रूव हो जाएगा। तो आपने देखा कि आप इसको स्क्वायर कंप्लीट करके कर सकते हैं, स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद एएमजीएम लगा के भी कर सकते हैं, आप सीकेंस स्क्वायर थीटा कोसेकेंस स्क्वायर थीटा को प्रोडक्ट में ले जा करके मल्टीपल एंगल फार्मूले से भी कर सकते हैं। और एएमजीएम जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी कि ये डिस्कशन फिर से मैंने रिवाइज किया कि इनइक्वालिटी ऑफ मीन, उसके एप्लीकेशन और अप्लाई करने की कंडीशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? यस यस सर, यस सर। यहां पर जो लिखा था ना, ये इसकी जनरल वैल्यू लिखी हुई है, समझ रहे हो ना, क्योंकि आपने आंसर जो बताया मुझे पाई प्लस पाई बाई फोर, एग्रीड, और इसी में टू के पाई ऐड कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा टू के प्लस वन पाई प्लस पाई बाई फोर। इट्स अ जनरल वैल्यू, मतलब सारी पॉसिबल जो थीटा की वैल्यू हो सकती है जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी वो ये है। हाँ जी, जल्दी आंसर करो क्विक, दोनों पार्ट के लिए आपके पास सिर्फ सिर्फ दो मिनट है, ओनली टू मिनट, सो यू हैव टू एक्ट वेरी क्विक। साइन अल्फा थ्री बाई फाइव है, टैन बीटा हाफ है, अल्फा इज एन एंगल लाइंग बिटवीन पाई बाई टू टू पाई, वेर एज बीटा लाइज बिटवीन पाई टू थ्री पाई बाई टू, देन शो दैट एट टेन अल्फा माइनस रूट फाइव सीकेंट बीटा इक्वल टू माइनस सेवन बाई टू। पहले एंगल का क्वाड्रेंटल लोकेशन जो उन्होंने रेंज दी हुई है उसको देखो, फिर फटाफट फेजर डायग्राम बनाओ और जो फंक्शन चाहिए उसकी वैल्यू निकाल लो। साइन अल्फा है वहां से टेन अल्फा निकाल लो, टेन बीटा की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग सीकेंट बीटा निकाल लो। अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, परपेंडिकुलर इज थ्री एंड हाइपोटेन्यूस इज फाइव, थ्री फोर फाइव। बीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, परपेंडिकुलर इज वन एंड बेस इज टू, हो गया सर। ठीक है, तो दिस इज फाइव एंड दिस इज थ्री, सो दिस इज माइनस फोर,
फार एंगल अल्फा एंड फार एंगल बीटा दिस इज वन माइनस वन एंड दिस इज माइनस टू दिस इज रूट फाइव. So it is very clear from the phasor diagram that tan of alpha ki value kya rahi hai, tan alpha. Tan alpha matlab aap triangle OPM mein dekh rahe hain. Tan beta matlab aap triangle OQN mein dekhenge. To tan alpha ki value kya hai? -3/4. Oh yes. Yes. Aur सीकेंट बीटा की वैल्यू क्या है? तो इस वाले ट्रायंगल में देखो सीकेंट बीटा इज हाइपोटेन्यूज बाय बेस -√5/2. बस यहां से √5 सीकेंट बीटा निकाल लो तो √5 टाइम्स सीकेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू -5/2 एंड 4 8 टेन अल्फा चाहिए तो 8 टाइम्स टेन अल्फा ऊपर वाले इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो आएगा -6 और फिर इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है तो आंसर आ जाएगा क्या आया तो यहाँ से क्लियरली आया कि 8 टाइम्स टेंजेंट ऑफ अल्फा -√5 टाइम्स सेकेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू -6 एंड +5/2 -7/2 तो ये तुम्हारा ए पार्ट था ए आंसर सर ठीक है ऐसे बी पार्ट भी हो गया सर बस होने वाला है टैन नेगेटिव है और एंगल दिया हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट अगर एंगल थीटा की वैल्यू इवन पाई से 2π देते तो भी हम फोर्थ क्वाड्रेंट ही जजमेंट लेते क्योंकि टैन की वैल्यू नेगेटिव है tan theta is -4/3 perpendicular -4 base is 3 hypotenuse is 5 you are looking for what angles ye theta hai tumhara to clearly secant theta kya hai -5/4 secant theta ki value aayi hypotenuse by base 5/3 yes sir 5/3 तो यहां से आ गया 3 secant theta is 5 and therefore 9 secant square theta is 25. This is one of outcome. And cot theta kya aa raha hai? Cot theta from the same phasor diagram cot theta is -3/4 base by perpendicular. तो 4 cotangent theta -4 cot theta 3 आ गया. 3 ये सेकेंड इक्वेशन आ गया दोनों को ऐड करके आपका आंसर आ गया 9 सेकेंड स्क्वायर थीटा -4 कॉट थीटा जब दोनों को ऐड करेंगे इसको और इसको मतलब 25 एंड 3 क्या आ गया 28 तो कन्वर्जन पे प्रॉब्लम बहुत मेजर डिफिकल्टी वाली नहीं होती है आराम से हैंडल हो सकता है तो कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग कंफर्टेबल बेटा किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक है जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर हाँ जी दो बच्चों ने बोला नो नो मतलब नहीं सॉल्व हुआ क्या प्रॉब्लम है बेटा बताओ नहीं हैव यू सॉल्व द क्वेश्चन मतलब मैंने सॉल्व कर दिया जब फाइनली तो आंसर आ गया कि अभी भी नो है सर मेरा वो गलती से नो पे क्लिक हो गया
कोई बात नहीं, लगता मुझे समझ में आ गया था कि आप नो तो नहीं हो सकता आपके बैच में, फिर मेरा भी गलती से हो गया। ठीक ठीक हाँ जी, एक क्वेश्चन करिए। टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी इज वन दी अवर, सीकेंट ऑफ ए प्लस बी इज टू बाई रूट थ्री गिवन है, और बोल रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द एंगल ए सेटिस्फाइंग दिस टू इक्वेशन। हाँ हाँ 75/2 मतलब 37.5। यस सर 37.5। किसकी वैल्यू बता रहे हो तुम? देखा-देखा सा लग रहा है ये गेम्स में है क्या ये? पहली बात तो ये देखा-देखा सा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो है वो देखा-देखा सा होगा तो हमेशा धोखा देगा। मैथ्स में क्वेश्चन करो और क्वेश्चन को बोल जाओ। हाँ, उस क्वेश्चन से कुछ कॉन्सेप्चुअल लर्निंग हो उसको याद रखो, उस क्वेश्चन के एक्सपीरियंस को याद रखो, बट क्वेश्चन को मत याद रखो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार क्या मतलब, इससे पहले इस एग्जाम का कॉन्सेप्ट और थीम को समझो। मैं बात कर रहा हूँ जेई एडवांस एग्जाम की, जेई मेन के लिए तो देखा देखा बहुत काम आता है, क्योंकि आधे सवाल तो देखे देखे होते हैं और वो वैसे ही मतलब जो अच्छी प्रैक्टिस बच्चे होते हैं ना, तो 25-30% क्वेश्चन तो स्ट्रेट वे से टिक करने वाले होते हैं, फटाफट 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड में निकल जाते हैं, मैथ्स में भी मैं बता रहा हूँ। बट जे एडवांस में इसमें बहुत धोखा हो जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो मार्केट में अच्छे क्वेश्चंस हैं ना, उन्हीं क्वेश्चंस पे स्टडी करते हैं और उन्हीं क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज क्रिएट करते हैं जिसमें कुछ आपसे गलतियां हो जाएं, जो कॉमन एरर्स बच्चे अच्छे बच्चे कर जाते हैं लापरवाही में, वो सब इंड्यूस करके और फिर उसी को परोस देते हैं आपके सामने। फिर क्या होता है कि आपको देखा देखा सा लगता है और उस देखे देखे के चक्कर में वो देखा देखा वाला काम हो जाता है। तो आपको आंसर्स याद नहीं रहने चाहिए, पहली बात। अगर ट्रूली क्रिएटिव हो ना तो आंसर बस क्वेश्चन करो और भूल जाओ। हाँ, उससे जो लर्निंग हुआ वो याद रखो, उससे जो कॉन्सेप्चुअल कोई बात सीखे वो याद रखो। मैं तो वैसे कह रहा था गेम में था इसलिए। अच्छा, तो आंसर अच्छा गेम में था। ओके सर, गेम में शायद से वैल्यू ऑफ बी था शायद से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी बताओ कि आंसर कैसे आएगा, क्या करें, या आंसर क्या आएगा पहले ये बताओ। यहाँ तो क्या वाली बात है, 5/4 माइनस 5/6। पाई बाय फोर माइनस 5/6। पाई बाय फोर माइनस पाई बाय सिक्स किसकी वैल्यू? ए की। तो पाई बाय फोर माइनस पाई बाय सिक्स तो हो गया तुम्हारा 3π/12 माइनस 2π/12 पाई बाय 12। ए की वैल्यू पाई बाय 12 बता रहे हो? नहीं, मिनिमम ना? नहीं नहीं7.5 डिग्री होगी। मुझे वैसे तुमने जब बताया पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई फोर तो मुझे तो समझ में आ गया कि तुम गलती क्या कर रहे हो। बट एनीवे, देखो बेसिकली इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है ना? तो एक तो ये तरीका है कि जो गिवन है वहां से स्टार्ट करो। ध्यान से देखो, टेन ऑफ ए माइनस बी क्या है? तो टेन ए माइनस बी वन है। वन होने का मतलब क्या है जी? वन होने का मतलब है कि ए माइनस बी की जो वैल्यू है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो थर्ड।
हाँ फर्स्ट या थर्ड में होगा, फर्स्ट में होगा तो पाई बाई फोर, और थर्ड में होगा जस्ट इसी का कांग्रुएंट पोजीशन इधर भी आएगा ऐसे, तो इधर होगा तो पाई प्लस पाई बाई फोर, तो पाई बाई फोर या पाई प्लस पाई बाई फोर, ये बट आई वुड से ए माइनस बी इज एन पाई प्लस पाई बाई फोर, चलेगा इंटीजर पाई प्लस पाई बाई फोर, मतलब एन जीरो है तो पाई बाई फोर, एन वन है तो पाई प्लस पाई बाई फोर, एन टू है तो टू पाई प्लस पाई फोर, फिर से यही आ जाएगा यही पर, तो ये साइक्लिकली सारे सारे सारी पॉसिबिलिटी मैंने ले ली, दिस इज ऑल पॉसिबिलिटी राइट, एन इज एनी इंटीजर एंड सिमिलरली, मतलब इसको अगर आप लिखना चाहो ना तो बेसिकली ऐसा आएगा पाई बाई फोर एंड फाइव पाई बाई फोर एंड नाइन पाई बाई फोर, ऐसे इन्फिनिट एंगल आएंगे, इधर भी जाओ तो माइनस एन को माइनस वन दो तो माइनस थ्री पाई बाई फोर एंड ऑन, तो वर्चुअली इट इज एक्चुअली आप देखो तो ये पाई बाई फोर का वन फाइव नाइन माइनस थ्री, ये फोर के प्लस वन टाइप की नंबर है, इसको आप फोर के प्लस वन फोर एन प्लस वन पाई बाई फोर भी बोल सकते हो, और यहां से भी देखो तो यही आएगा एलसीएम लेकर, दिस इज वन आउटकम। नेक्स्ट सीकेंट, सीकेंट मतलब कॉस, कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या गिवन है, कॉस ए प्लस बी क्या गिवन है, रूट थ्री बाई टू, कॉस की वैल्यू रूट थ्री बाई टू कब होती है, कॉस की वैल्यू रूट थ्री बाई टू कब होती है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वार्टर, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वार्टर में, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो यस, फर्स्ट क्वार्टर में कौन सा एंगल हुआ, पाई बाय सिक्स, थर्टी डिग्री, यस सर, तो या तो थर्टी डिग्री पाई बाय सिक्स होगा और या तो नीचे भी हो सकता है ऐसे इधर वाला फोर्थ में, सेम कांग्रुएंट ट्रायंगल बनाएंगे, तो ये जो आंसर अगर इसको लिखना हो तो ये एंगल की पोजीशन क्या होती है, टू टू के पाई, और इससे अगर इधर जाते हैं तो ये होगा टू के पाई प्लस पाई बाय सिक्स, और नीचे आते हैं तो आता है टू के पाई माइनस पाई बाय सिक्स, तो आई वुड से फ्रॉम हेयर दैट ए प्लस बी कैन टेक अप इस वैल्यू एज टू के पाई प्लस माइनस पाई बाय सिक्स, this is the second outcome. Now you have to observe the first and second outcomes. In दोनों equation से मुझे a निकालना है, ठीक है जी, add कर दूंगा तो b eliminate हो जाएगा, तो adding one and two, मैं subjective answer present कर रहा हूँ, वैसे तो particular case को लेकर के भी solve हो जाएगा, अभी मैं बताऊंगा, add किया तो क्या आ जाएगा, 2a की value आ गई, क्या आ गई, तो यहाँ से आया 4k, ध्यान से देखो, n pi प्लस पाई बाई फोर, ये पहला वाला, या यहाँ से, और यहाँ से प्लस टू के पाई प्लस माइनस पाई बाई सिक्स, तो एक्चुअली ये जो आएगा ये टू के प्लस एन टाइम्स पाई प्लस पाई बाई फोर माइनस पाई बाई सिक्स भी हो सकता है, और पाई बाई फोर प्लस पाई बाई सिक्स भी होता है, दोनों पॉसिबिलिटी होगी, बट अब मैं यहां से देखूंगा क्या ये और है बीच में, या तो ये या तो ये, अब मैं बोलूंगा देखो ये जो फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाला 2k, k इंटीजर है, n इंटीजर है, तो एक इंटीजर मल्टीपल पाई है राइट, तो ये इंटीजर मल्टीपल पाई की वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम क्या हो सकती है, तो ये इंटीजर जीरो हो जाए, क्योंकि हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये वाला इंटीजर नेगेटिव हुआ, ये वाला इंटीजर अगर नेगेटिव हुआ जैसे माइनस पाई या माइनस टू पाई हुआ, तो फिर इसके साथ ऐड करके नेट एंगल, टोटल एंगल की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आ जाएगी, जबकि यहां पर हमें चाहिए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब है कि टू, इन ऑर्डर टू कीप द वैल्यू ऑफ टू ए मिनिमम आई कैन चूज दिस टू बी जीरो, एंड इफ दिस इज जीरो सो आई विल गेट द पॉसिबिलिटी ऑफ टू ए एज, अगर मैं यहां से जाता हूं तो आई विल गेट द लीस्ट पॉसिबिलिटी दैट इज pi by 12. अगर दूसरे वाले से जाता तो I'll get 5 pi by 12. It is definitely more. So it is to be rejected in order to just select the least one. और a की value क्या हो जाएगी? pi by 24. So hope you
होप इट एक्सप्लेन्स योर क्वेरीज. क्लियर है? यस सर. ठीक है. और अदरवाइज यहां पर जब इसी के वैल्यू, तो जैसे जीरो दिया तो पाई बाय सिक्स आया, माइनस पाई बाय सिक्स आया. ऐसे अगर वन दोगे तो एक टू पाई प्लस पाई बाय सिक्स, टू पाई मतलब इलेवन पाई बाय सिक्स आएगा, थर्टीन पाई बाय सिक्स आएगा. माइनस वन दोगे तो माइनस थर्टीन पाई बाय सिक्स आएगा और माइनस इलेवन पाई बाय सिक्स आएगा. ऐसा ये पॉसिबिलिटीज है इसकी, ए प्लस बी की और ये ए माइनस बी की, ये वाली. तो इसमें से भी लीस्ट वैल्यू के लिए आप ऐसे रैंडम चूज कर सकते हो कि यहाँ से पाई बाय फोर ले लो मिनिमम, क्योंकि इन दोनों का सम करके ए आएगा और ऐड करोगे तो मिनिमम पॉजिटिव एंगल ऐड कर लो. ठीक है. बट यहाँ से बहुत सारे और क्रॉस क्वेश्चंस अराइज होते हैं जिसका आंसर आपके इस एक्शन से जस्टिफाई नहीं होगा. जैसे व्हाट इफ कि ये पाई बाय फोर हो और ये माइनस पाई बाय सिक्स हो, तब, और व्हाट इफ ये पाई बाय फोर हो और ये माइनस इलेवन पाई बाय सिक्स हो, क्या पता ये वाला ये हो और यहाँ से कुछ लेकर के कोई और छोटी वैल्यू बन जाए. तो वो सारे आंसर्स यहाँ इस एक्शन से जस्टिफाई नहीं होते हैं कि क्यों मैंने यहाँ से पाई बाय फोर लिया और यहाँ से माइनस पाई बाय सिक्स लिया, क्यों, वाई. बट इस वाले आंसर में कोई क्वेश्चन, कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पांचवें क्वेश्चन के बाद हम आगे जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कैन वी गो? यस सर. क्वेश्चन नंबर सिक्स. ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, बट इट इज अ गुड वन. मुझे एक स्पेसिफिक चीज नोटिस करनी कि आपने से कितने लोग वो स्पेसिफिक बात को नोटिस कर पाते हैं इस क्वेश्चन में. आंसर तो निकाल लेंगे, फटाफट आंसर करिए. टेक कंफर्टेबली 2 to 3 minutes टाइम, इससे ज्यादा नहीं दीजिए. दो मिनट में कोशिश करिए, 3 minutes तक आंसर आ जाना चाहिए आपका. देखा देखा लग रहा. कोई बात नहीं, करके दिखाओ. अगर देखा देखा लग रहा है ना, तो 100% है कि आप आंसर करोगे और जो चीज मैं चाहता हूं वो तुम नहीं बताओगे. अगर बिल्कुल फ्रेश, अगर पहले अटेम्प्ट किया होगा तो, अगर फ्रेश माइंड से करोगे तो शायद तुम उस बात को पकड़ लो. सर वो रूट्स दे रखे थे साइन ए और कोस ए, और फिर उसके बाद मेरे टेंथ में फॉर्मूला से पढ़े थे सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू दिस, फिर उससे हो गया, उसे ए की वैल्यू आ गई. यस सर. तो नहीं, ये तो बिल्कुल सही है कि आपने ए की वैल्यू निकाली और आपकी ए की वैल्यू -7/8 आ गई. अच्छी बात है. और हाउ डिड यू केम टू नो दैट डेटा मतलब रिडंडेंट है, मतलब कि डेटा एडिशनल डेटा गिवन है, ये कैसे पता चला? तो करने के बाद पता चला. वो करने के बाद कैसे पता चला, वही तो मैं बोल रहा हूँ. जैसे तुमने क्या किया, अच्छा और एक मिनट और बाकी लोगों की भी रिप्लाई थोड़ा देख लेते हैं कौन क्या क्या कर रहा है. सुकृत ने बोला 9/8, 9/8 तो नहीं बेटा. और ने बोला -1/2, नहीं बेटा -1/2 भी नहीं है. -7/8 ही है. चलो अच्छी बात है. और वो -7/8 कहाँ से आया होगा वो अब देख ही लेते हैं. सबसे पहली बात को इसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि एंगल ए जो है वो 0 to π/2 है, ठीक है. और इसके अलावा जो गिवन है वो तीन इन्फॉर्मेशन गिवन है, बिकॉज साइन ए एंड कोसाइन ए आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. आपको शायद ये अच्छी तरह से याद होगा टेंथ का कॉन्सेप्ट कि ax² + bx + c0 अगर इसके रूट है अल्फा एंड बीटा, तो समेशन ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा होता है c/a. आई थिंक ये तो आप में से हर एक को याद होगा, है ना? यस सर. पक्का? यस सर. ठीक है. यस सर. तो ये इंफॉर्मेशन को अगर आप यूज करते हो इसमें, तो यहां से आपको मिलता है कि सम ऑफ रूट साइन ऑफ ए प्लस कोसाइन ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4, माइनस बी इज 3/4,
एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट साइन ऑफ ए एंड कोसाइन ऑफ ए का प्रोडक्ट क्या आएगा, तो इट इज ए बाई फोर। तो ये डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली ये गिवन था, ये बात समझ में आ गई आपको कि ये दो इक्वेशन आ गए। और एक और बात गिवन है एंड दैट इज सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सम जो है साइन ऑफ ए प्लस कोसाइन ऑफ ए प्लस टेन ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए प्लस सीकेंट ए प्लस कोसेकेंट ए, ये सारा समेशन जो है वो आ रहा है सेवन, ऐसा गिवन है। ठीक है, अब जो आंसर आपने निकाला वो प्रॉबेबली नहीं बिल्कुल सही, मैं सोच रहा हूं कि इस दोनों को सॉल्व करके निकाला, यहां से आपने मतलब यहीं से निकाला, इजंट इट? यस सर। राइट, कर लेते हैं यहां से सॉल्व करते, इसमें आपने कुछ नहीं किया, फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया तो आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कॉस ए इज डेफिनेटली 9/16। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 प्लस 2 टाइम्स साइन ए इनटू कॉस ए इज ए बाई 4, इट इज इक्वल टू 9/16 एंड देयरफॉर a by 2 is equal to 9/16 minus 1, that is equal to minus 7/16, and hence the value of a comes out to be minus 7/8. ठीक है, well ये आंसर आपने निकाल लिया वो तो मैंने appreciate कर ही दिया था कि ठीक है, but ये कैसे पता चला कि data redundant है, ये इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालो। डेटा रिडंडेंट तुमने बोला ना तो मुझे आई अप्रिशिएटेड, लेकिन कैसे क्यों? तो कैसे वाला तो मुझे नहीं पता, मैंने तो सोल्व करने के बाद में को नोटिस किया कि डेटा रिडंडेंट था। अरे यार मैं बोल रहा हूँ सॉल्व करके ए की वैल्यू माइनस 7/8 आ गई, फिर तो ये वैल्यू जब किसी न किसी इंफॉर्मेशन को कंट्रडिक्ट करेंगे तभी ना बोलोगे डेटा रिडंडेंट है, वो चीज बोल नहीं रहे हो तुम। हाँ अब ऐसे ऐसे बोलो दो जगह पर, ये वैल्यू इस इंफॉर्मेशन को भी डिनाई कर रही है, करेगी अब चेक करके देखना भी, और ये वैल्यू यहाँ भी डिनाई हो रही, देखो साइन ए कॉस ए दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये दिया ना एंगल लाइज इन 0 to π/2, तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो साइन ए और कॉस ए भी पॉजिटिव होगा और इसलिए प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पॉजिटिव होना चाहिए, ए की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ये इंफॉर्मेशन डेफिनेटली इस डेटा को तो क्लियरली कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, कर रही कि नहीं कर रही? यस सर। दूसरी बात कि अगर मैं यहां से जाता हूं ये वाली कंडीशन से जाता हूं तो ये कंडीशन से कुछ और मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी, साइन ए प्लस कॉस ए क्या आएगा 3/4 और टेन ए प्लस कॉट ए क्या हो जाएगा 1/ साइन ए कॉस ए आएगा ना, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए कॉस ए 1/ साइन ए कॉस ए और 1/ साइन ए कॉस ए हो जाएगा 4/ a और ये सीकेंट और कॉसेकेंट का सम क्या हो जाएगा साइन प्लस कॉस बाय साइन इंटू कॉस, साइन प्लस कॉस की वैल्यू 3/4 है, साइन इंटू कॉस की वैल्यू ए बाय 4 है, डिवाइड करोगे तो 3/a and it is given as 7. So from here you will get 7/a is equal to 7 minus 3/4, that is equal to 25/4. And therefore the value of a comes out to be 28/25. And this value of a supports this one. बट इफ दिस इज ट्रू देन दिस गोज फॉल्स, तब ये इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगी कि साइन ए कॉस ए इसके रूट है, तो ये हाफ द इंफॉर्मेशन डज नॉट मैचेस विद द रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई द डेटा इज इनकम्पैटिबल, ये इनकम्पैटिबल डेटा, ये क्वेश्चन ही गलत है। और आप देखो कि ये क्वेश्चन तमाम जगह पर है, लगभग हर ट्रिग्नोमेट्री की किताब में ये क्वेश्चन है और हर जगह आंसर, कुछ लोग साइन 7/8 माइनस 7/8 आंसर लिख देते हैं, कुछ लोग 28/25 लिख देंगे, बट आंसर हर जगह है, बट फैक्ट ये है कि ये
क्वेश्चन जो है वो इनकम्पेटिबल है, डेटा जो है ओवर सफिशियंट डेटा है, ज्यादा डेटा दे दिया गया है। एनीवे ठीक है, अच्छा है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं कभी कभी क्वेश्चन में। सेवेंथ क्वेश्चन, जल्दी आंसर करो क्विक। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट कैरी आउट करो दोनों पार्ट। ए का सर एम आ रहा है। एम अगर साइन ए की एक वैल्यू गिवन है तो टेन ए की एक वैल्यू आएगी या दो प्लस माइनस टेन। सॉरी सर, यस। तो ऐसे आप इतना क्वेश्चन करने के बाद आपसे इनकम्प्लीट आंसर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता बेटा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ो। तो यहां से क्लियर ये दिख रहा है कि टेंजेंट ऑफ ए जो होगा वो होगा प्लस माइनस एम डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो यहां से आ गया रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर टाइम्स टेन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस एम। इसको अगर अलजेब्राइकली करेंगे तो ऐसे लिखेंगे अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इनटू प्लस माइनस मॉड टेन ए दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इनटू प्लस माइनस इधर और मॉड टेन ए को अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर ए। अब टेन स्क्वायर ए को लिखना है तो आप इसको अब हो जाएगा अपने आप हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू अंडर रूट टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम लोग, साइन में ले जाना है तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कर दो या वन बाई कॉट स्क्वायर ए कर दो और कॉसेकेंड स्क्वायर में लिख के जाओ, है ना। तो वन अपॉन कॉसेकेंड स्क्वायर ए माइनस वन कर दो और फिर आंसर आ जाएगा आपका। कॉसेकेंड हो जाएगा एन बाई एम तो एन स्क्वायर बाई एम स्क्वायर माइनस वन, तो ये अपने आप वही आंसर आ जाएगा प्लस माइनस एम। तो ये इंफॉर्मेशन से ये मच इजियर है इसलिए ऐसे करना चाहिए। तो जब जब आप अल्जेब्रिकली करने की कोशिश करोगे तो वो बात अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स ये सब बातें दिमाग में रहनी चाहिए। किसी एक्स को आप लिखोगे, जब भी एक्स को लिखोगे तो आप एक्स को मॉड एक्स नहीं लिख सकते, एक्स को आप प्लस माइनस मॉड एक्स लिखोगे और फिर इसको लिखोगे प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये है एक्स कैन बी रिटन एज प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यू कैन नॉट सिंपली राइट एक्स एज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये लिखना टेक्निकली गलत है। बी पार्ट
बी पार्ट किसका इसका हो गया? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दिया हुआ है आपका टेन स्क्वायर बी। और हमें टेन स्क्वायर ए लाना है, टेन स्क्वायर ए लाना है और लेफ्ट हैंड साइड में कॉस स्क्वायर बी लाना है। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो ये होना चाहिए कि ये और ये तो क्लियरली कन्वर्टेबल है, इसमें तो कोई ज्यादा एफर्ट है ही नहीं। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है कि इसको इसमें कन्वर्ट करना। मतलब टू प्रूव टू कॉस स्क्वायर बी माइनस वन एज टेंजेंट स्क्वायर ए इज टू प्रूव टू कॉस स्क्वायर बी इज वन प्लस टेन स्क्वायर ए दैट इज सीकेंट स्क्वायर ए is to prove that cos square b is equal to half secant square a। अब यहां से समझ में आ रहा है तुमको कि tan square b से cos square b बना सकते हैं, tan square b से secant square b बना करके, या यहां से ये इसको प्रूफ करने का मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि सीकेंट स्क्वायर बी इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर ए। और ये हम प्रूफ कर सकते हैं यहां से। तो ये मैं बता रहा हूं कैसे आप प्रॉब्लम को बैक रिवर्स ट्रैक करते हो कि क्या प्रूफ करना है, उसके लिए हमें क्या प्रूफ करना है, ठीक है। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे, तो जो गिवन है, गिवन क्या है बोलो, गिवन गिवन है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू tan स्क्वायर b, दैट इज cos स्क्वायर a, साइन तो चाहिए नहीं मुझे, इसको लिख दिया वन माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू tan स्क्वायर b, दैट इज टू cos स्क्वायर a, और माइनस वन को राइट में सेट कर दो, वन प्लस tan स्क्वायर b, दैट इज 2 cos square a is equal to secant square b। टू cos square a secant square b। अब मुझे tan square a लाना है ना, तो अब मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, हाफ secant square a, रेसिप्रोकल कर दिया, इज इक्वल टू cos square b, therefore 1 plus tan square a is equal to 2 cos square b। secant square को 1 plus tan square लिखा, तो tan square a is equal to 2 cos square b minus 1। एकदम बिल्कुल डॉट प्रूव हो गया, जहां से चले थे जो गिवन था वहां से हमने अराइव कर दिया ये। एंड 2 cos square b कैन बी रिटन एज 2 cos square b एंड 1 कैन बी रिटन एज sin square b plus cos square b। And therefore the result is cos square b minus sin square b भी प्रूव हो गया। तो you have got this entire identity proved conditionally, if this is, if this holds good then this holds good, that's it। तो interconversion trigonometric functions का कैसे करते हैं और उस पर based questions को कैसे handle करते हैं, ये भी simple है। अब आप इसके सम्स करेंगे। अब अगला जो आर्टिकल है हमारा वो है हाउ टू फाइंड द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यू ऑफ अलाइड एंगल। अलाइड एंगल का मतलब कि जो एंगल ऐसा, अलाइड, अलाइड एंगल का मतलब क्या होता है,
जो सिमिलरली अलाइंड हो, ठीक है। जैसे कि अगर ए एंड बी दो एंगल्स हैं तो ये अलाइड एंगल कब बोले जाएंगे, जब वो एक दूसरे के कॉम्पेनियन हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो या सप्लीमेंट्री हो, ऐसा। तो उसका जनरलाइज फॉर्म तो बेसिकली ऐसा है कि व्हेन यू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू एंगल एंड द रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल कम्स आउट टू बी मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। मीन्स अगर दो एंगल का सम या उनका डिफरेंस जीरो हो या पाई बाय टू का कोई भी इंटीजर मल्टीपल हो, पॉजिटिव इंटीजर मल्टीपल या नेगेटिव इंटीजर मल्टीपल, तो ऐसे एंगल्स को हम अलाइड टू ईच अदर बोलते हैं। जैसे कि अगर थीटा का अलाइड एंगल क्या होगा, तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा और इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि अगर इस एंगल को मैं ए बोलूं और इसको बी बोलूं, तो ए और बी का डिफरेंस क्या है, पाई बाय टू का मल्टीपल है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे थीटा कैंसिल हो जाएगा, के पाई बाय टू आ जाएगा, और थीटा का अलाइड एंगल के पाई बाय टू माइनस थीटा भी होगा, क्योंकि इस केस में जैसे बी माइनस ए के पाई बाय टू आ रहा है या ए माइनस बी के पाई बाय टू आ रहा है, इस केस में ए प्लस बी के पाई बाय टू आ जाएगा। तो चाहे सम पाई बाय टू का मल्टीपल आ जाए या डिफरेंस, तो इसी में देखो अगर के ऑड है तब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाते हैं, और के इवन है तो यही सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएंगे। तो अलाइड एंगल मतलब वो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे आपने, उसी का जनरलाइजेशन है ये। तो अगर साइन थीटा गिवन है तो सारे अलाइड एंगल का साइन कैसे मिलेगा, कॉस कैसे मिलेगा, टैन कैसे मिलेगा, दिस इज द डिस्कशन, एक्चुअली मैटर ऑफ डिस्कशन ऑफ द नेक्स्ट क्लास, तो वो अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अगर इसका भी अगर आप बोलोगे तो इसका एक लेक्चर मैं शेयर कर दूंगा पिछले ईयर का, और बिकॉज कल का टाइम आपके पास में, परसों का भी है, तो आप प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट वाला डिस्कशन में शेयर करूंगा, उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। आप उसको देख लेंगे तो क्लास में मैं दोबारा रिवाइज करके आगे वर्कआउट करूंगा। आप देखे रहते हैं तो थोड़ा ये हो जाता है कि थोड़ा ज्यादा मेच्योर तरीके से आप समझ जाते हैं, गलतियां नहीं करते। आप बोलेंगे अगर ऐसा आपके लिए बेटर है तो बता देंगे, नहीं तो फिर जैसे रूटीन में चल रही हो तो चलेगा ही क्लास। सर ऐसे भेजते हैं, ठीक है बेटा। तो आज के सेशन को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। ओके बेटा, गुड नाइट।